हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना फॉर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं ड्रेसिना के बारे में जो केयर एंड टिप्स है वो भी समर सीजन में वो बताऊंगी, उसके साथ ही उसको कैसे मिट्टी चाहिए और फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो पौधा है ड्रेसिना, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, कलर्स होते हैं, पत्तों का साइज भी बहुत बहुत होते हैं। आप अगर नर्सरी विज़िट करोगे तो अलग अलग नर्सरी में अलग अलग टाइप के ड्रेसिना आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 70 रुपीज़ से लेके 150 तक ये आ सकते हैं, क्योंकि रेयर अगर इसका प्लांट हो तो वो थोड़ा सा महंगा जा सकता है, रेयर लीफ का स्ट्रक्चर हो या कलर हो। तो ये मेरे पास जो भी है ये सब भी प्लांट 70, 80 या 100 तक ही मुझे मिले हैं, वो भी अलग अलग नर्सरी से। और देखिए, ये सभी अलग अलग टाइप के हैं और बहुत खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में, इंडोर गार्डन में या फिर सेमी शेड हमारे बालकनी के लिए। तो बालकनी के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट पौधा है। एक कोने में अगर इसे रख दिया जाए तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो करेगा। 1 से 2 घंटे की डायरेक्टली धूप जो होती है सुबह की, तो वो ये अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। और देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नीचे नीचे के जो भी लीफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पुराने लीफ पूरे गिर जाते हैं, ऊपर ऊपर के ही लीफ जो होते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो भी हेल्दी होते हैं। इससे कुछ फंगीसाइड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी, क्योंकि कोई इसे डिसीज़ होता ही नहीं है। मेन इसका प्रॉब्लम जो है तो ये बर्निंग लीफ ही है, वो भी समर सीज़न में। ये देखो, ये टाइप जो है मेरे पास बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, मैंने अभी बताया बहुत सारी टाइप होती है। और बर्निंग लीफ का जो प्रॉब्लम होता है ये अक्टूबर में जब हीट ज़्यादा होती है तब, और समर में, दोनों भी महीने में होते हैं, दोनों भी सीज़न में होते हैं। तो तभी सेम अप्लाई करना है हमें, इसे वाटरिंग करनी है, ऊपर से पूरा प्लांट हमें लहलाना है। अब अगर हमारे पास स्प्रे ना हो तो भी चल जाएगा, ऊपर से एक मग पानी ऐसा डालना है उसके ऊपर से। और इससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो होता है प्लांट का वो मेंटेन रहता है। उसके साथ ही मैं बताऊंगी कि वाटरिंग ऐसी करनी है नीचे पॉट में कि एक दिन बाद इसे पानी देना है, आज पानी दिया तो कल का दिन छोड़ के परसों पानी देना है। तो ये जो प्लांट है इसे ज़्यादा सूखी मिट्टी पसंद नहीं है और ज़्यादा इसमें पानी खड़ा रहे वैसी मिट्टी भी पसंद नहीं है। इसकी मिट्टी में, सॉइल मिक्सचर में हमें थोड़ा सा कोकोपीट और 30% जो हमारी रेत होती है, जो सैंड होती है, तो वो अगर हमने मिक्स की तो इसके रूट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रूट जल्दी जल्दी इसके डेवलप हो जाते हैं उस सैंड में, सैंड अगर हमने इसके सॉइल में मिला दी तो। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये तो कॉमन है कि हमने इन्हें सब प्लांट को, सब ड्रेसिना को ग्रीन नेट के नीचे रखना है या बालकनी में ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी सी धूप आए सुबह की, बस 1 घंटे की समर की धूप आए और बाकी के दिन ना आए। और उसका टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करना है कि हार्डी प्लांट के पास इन्हें रखना है और बहुत ही पास रखना है। और अगर हम ग्रीन नेट के नीचे इसे रख दें तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। और उसके साथ ही रहा फर्टिलाइज़र का, तो आप इसे समर में भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए समर में, बस मंथ में एक बार भी चलेगा। उसके बाद जब जून स्टार्ट होता है तो जून में जब पहली बारिश हो जाए तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कोई गोबर खाद, सूखा हुआ गोबर खाद आप इसे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके साथ ही मैंने पहले भी बताया कि इसको स्प्रे बहुत ही अच्छे से करना है, और स्प्रे के साथ ही देखिए इसके पत्ते चमकदार हो और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। इसके लिए ऐसी जो मेरी मेथड है, थोड़ी सी रब करके, पत्ते अगर रब करके उस पर ऐसा स्प्रे किया तो पूरे इसकी जो धूल होती है पूरे नीचे गिर जाती है और बिल्कुल साफ़ हो जाता है हमारा पौधा। और उसकी
ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों भी अच्छे से मेंटेन रहते हैं समर सीज़न में, और इससे पौधे भी बच जाते हैं हमारे, जो भी ड्रेसिना प्लांट है और उसके नीचे अदर भी जो प्लांट होते हैं, और भी कोई प्लांट होते हैं जो भी डेलिकेट है और शेड लवर प्लांट है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये स्प्रे करना। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ड्रेसिना प्लांट के बारे में। तो आपको अगर ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इफ़ेक्टिव लगी हो और आपके प्लांट के लिए एप्लीकेबल लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट अगर किया तो मुझे बहुत ही खुशी होगी फ्रेंड्स। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।